नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी मैट्रिमोनी अकाउंट या साइट में अपना प्रोफाइल ओपन करना चाहते हो तो कैसे ये कर पाओगे? पिछले साल शादी.com, जीवनसाथी.com और भारतमैट्रिमोनी.com इन तीनों एप्लीकेशन या वेबसाइट का एक फुल ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरे यूट्यूब चैनल पे। वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक मैट्रिमोनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है संगम.com। तो संगम.com में कैसे आप अपना अकाउंट या प्रोफाइल बना पाओगे, इस एप्लीकेशन को कैसे आप यूज कर पाओगे और यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाता है अपने प्रेफरेंस मैचेस को ढूंढने के लिए, शादी के लिए कैसे आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, एप्लीकेशन में आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट मिलता है, और अगर आप इसका प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा प्रीमियम मेंबरशिप का पैकेज मिलता है, इसका सारे प्राइस क्या है, प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए कैसे आप पेमेंट कर पाओगे और इस एप्लीकेशन को यूज करने का एक पूरा ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तव, आप देख रहे हो टिकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पिछले साल जैसे मैंने भारत मैट्रिमोनी, शादी.com या जीवनसाथी.com का एक फुल एप्लीकेशन या वेबसाइट का ट्यूटोरियल बनाया था आपके लिए जे कैसे इनको यूज करके आप अपना प्रेफरेंस मैच यहां से ढूंढ पाओगे, वैसे ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संगम एप्लीकेशन का या संगम.com वेबसाइट का एक फुल ट्यूटोरियल। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा इस एप्लीकेशन में कैसे आप अपना अकाउंट या प्रोफाइल बना पाओगे और इस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से कैसे आप एक्सप्लोर कर पाओगे, इसके सारे बेनिफिट्स और फीचर को आप यूज कर पाओगे और यहां से अपना प्रेफरेंस मैचेस ढूंढ पाओगे। इसके प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, पेमेंट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे संगम.com एप्लीकेशन या वेबसाइट का एक स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल। तो इसलिए नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, तो देखिए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर, जल्दी से ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर और प्ले स्टोर ओपन होते ही हम लोग सर्च कर लेंगे संगम.com। तो आप देख सकते हो संगम.com एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हो रहा है संगम.com मैट्रिमोनी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का और वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इंस्टॉल हो चुका है, यहां पे ओपन बटन पे क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूं। या हम लोग सीधे चले आएंगे मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर, आप देख सकते हो संगम.com एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन होते ही दाहिने तरफ ऊपर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे जाके आप एप्लीकेशन का लैंग्वेज अपने पसंदीदा लैंग्वेज में यहाँ पे चेंज कर सकते हो और नीचे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर फॉर फ्री का ऑप्शन। और अगर आपका पहले संगम.com एप्लीकेशन में ऑलरेडी प्रोफाइल है तो नीचे लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक करके आप लॉग इन भी कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले ही आपको मिल जाएगा अपना प्रोफाइल कम्प्लीट करने के लिए चार स्टेप। तो पहला स्टेप है लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है किसके लिए आप ये प्रोफाइल बना रहे हो, खुद के लिए, सन या डॉटर के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए, फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव के लिए। फिर आप यहाँ पे दे दोगे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे दोगे, अपना हाइट दे दोगे। और अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो यहाँ से आप अपना जेंडर भी चूज कर लोगे और फिर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो फिर आप आ जाओगे सेकेंड स्टेप पे, यहाँ पे आपको कम्प्लीट करना है अपना सोशल डिटेल्स। जैसे यहाँ पे आप दे दोगे अपना मेरिटल स्टेटस, अपना मदर टंग, अपना कम्युनिटी और जो भी कम्युनिटी आप चूज करोगे उसके बाद जो भी प्रेफरेंस आप ढूंढ रहे हो इस एप्लीकेशन से, अगर कास्ट नो बार होता है तो इस ऑप्शन को आप टिक करोगे और खुद के कम्युनिटी पे अगर ढूंढना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप ऑफ ही रखने दोगे। फिर आप दे दोगे अपना करेंट लोकेशन और अगर आप अपने फैमिली के साथ ही रहते हो तो ही स्टेज विथ हिज फैमिली, इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे देना है फैमिली लोकेशन, नेटिव प्लेस और फिर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका दूसरा स्टेप भी हो जाएगा कम्प्लीट। आप आ जाओगे तीसरे स्टेप पे, यहाँ पे आपको दे देना है अपना करियर डिटेल, जैसे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और ये चूज करते ही आपको यहाँ पे दे देना है कौन सा कोर्स आपने किया है। नीचे मोर ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा बहुत सारे कोर्स यहाँ से चूज करने का ऑप्शन। उसके बाद आप दे सकते हो यहाँ पे अपना कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम। फिर आप दे दोगे अपना वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आपका जॉब टाइटल क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब टाइटल देने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप चूज कर लोगे। फिर आपको यहाँ पे दे देना है आप कौन से सेक्टर में काम करते हो, आपका कंपनी
कंपनी नेम क्या है वो दे सकते हो। फिर आपको यहाँ पे दे देना है अपना एनुअल इनकम और फिर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपका तीसरा स्टेप भी हो जाएगा कंप्लीट। आप आ जाओगे चौथे और आखिरी स्टेप पे फैमिली डिटेल्स, तो यहाँ पे आप दे दोगे अपना फादर स्टेटस, मदर स्टेटस। फिर आपको यहाँ पे दे देना है अपना नंबर ऑफ ब्रदर्स और नंबर ऑफ सिस्टर। अगर जीरो रहा तो कुछ भी आप नहीं दोगे, छोड़ दोगे, और ये कुछ भी रहा तो आपके ब्रदर और सिस्टर में से कितने मैरिड है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका प्रोफाइल डिटेल्स हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। फिर आप दे दोगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना ईमेल आईडी, एक पासवर्ड सेट कर लोगे और फिर अपना मोबाइल नंबर देके नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा एक ओटीपी, यहाँ पे आप डाल दोगे अपना ओटीपी और नीचे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका प्रोफाइल हो जाएगा डिटेल्स में कंप्लीट। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो अपना प्रोफाइल पिक्चर और ये आप बाद में भी कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा आई विल डू दिस लेटर का ऑप्शन और अगर आप अभी भी अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड फोटोज ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे एक या मल्टीपल प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका प्रोफाइल हो जाएगा कंप्लीट और आप लॉगिन हो जाओगे संगम.com एप्लीकेशन में। तो आपने अपना जो प्रेफरेंस डाला उस हिसाब से पहले आपको कुछ सजेस्टिव प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो या रिक्वेस्ट भेज सकते हो। इनको सिलेक्ट करके नीचे कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके या अभी के लिए ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो। दाहिने तरफ ऊपर आपको मिल जाएगा स्किप का ऑप्शन और फिर आप आ जाओगे संगम.com एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पे। यहाँ पे देखोगे ऊपर आपको मिल जाएगा चार ऑप्शन, होम, मैचेस, इनबॉक्स, चैट। तो होम ऑप्शन पे ऊपर आप देखोगे अपना प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर कभी भी चेंज कर सकते हो। उसके नीचे आपको मिल जाएगा अपना नाम, अपने प्रोफाइल के लिए एक यूनिक आईडी। फिर आपको मिल जाएगा एडिट प्रोफाइल और एडिट प्रेफरेंस का ऑप्शन। अभी आप एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर पाओगे। नीचे आपको मिल जाएगा अपना नाम, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना प्रोफाइल सारा एडिट करने का ऑप्शन। जैसे यहाँ से आप फैमिली डिटेल्स एडिट कर पाओगे, फादर और मदर का सारा डिटेल्स यहाँ से एडिट कर पाओगे। फिर यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी एडिट कर पाओगे। फिर अबाउट मी सेक्शन पे आप यहाँ पे अपना खुद का सारा डिटेल्स भी एडिट कर पाओगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपना हॉरोस्कोप डिटेल्स भी एडिट करने का ऑप्शन। और एडिट प्रोफाइल ऑप्शन के बाद एडिट प्रेफरेंस ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे अपने प्रेफरेंस का जैसा प्रोफाइल ढूंढ रहे हो वहाँ पे अपना प्रेफरेंस सेट कर पाओगे। जैसे एज लिमिट, हाइट, रिलीजियन, कम्युनिटी, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस, कंट्री लिविंग इन, स्टेट लिविंग इन, ये सारे प्रेफरेंस डाल पाओगे और फिर नीचे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके प्रेफरेंस वाइज आपको यहाँ पे मैचेस का प्रोफाइल यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप देखोगे आप एप्लीकेशन का लैंग्वेज चेंज कर पाओगे और उसके बाद आपको मिल जाएगा अपने अकाउंट टाइप जो पहले बेसिक रहेगा। यहाँ पे आप अपने लिए प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हो तो नीचे आपको मिल जाएगा सारे प्रीमियम मेंबरशिप का डिटेल्स। यहाँ पे गो प्रीमियम ऑप्शन पे जाके आप देख पाओगे यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रीमियम मेंबरशिप का तीन पैकेज, इकोनॉमी, प्लस और सिलेक्ट, और हर एक पैकेज में क्या क्या डिटेल्स आपको बेनिफिट मिलता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इकोनॉमी में आपको मिल जाता है 3 months और 6 months दो पैकेज। 3 months पैकेज में जहाँ पे 100 कॉन्टेक्ट आप अनलॉक कर सकते हो इसका प्राइस है 3,610 rupees, 52% ऑफ देके आपको मिलता है 1,733 rupees में। जहाँ पे आपको मिल जाता है चैट विद योर मैचेस, व्यू 100 कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप योर मैचेस, पर यहाँ पे गेट टॉप स्पॉट इन मैचेस ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और इकोनॉमी में 6 month पैकेज में आपको मिल जाता है चैट विद योर मैचेस, व्यू 200 कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप योर मैचेस, यहाँ पर भी आपको गेट टॉप स्पॉट इन मैचेस ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे 6 month पैकेज जहाँ पे 200 कॉन्टेक्ट आप अनलॉक कर सकते हो इसका प्राइस है 7,910 rupees, पर आपको 72% डिस्काउंट में मिल जाता है 2,215 rupees में। इसके बाद प्लस मेंबरशिप में आपको मिल जाता है 3 month, 6 month और 12 months, तीन वेरिएशन पैकेज का। 3 month पैकेज में आपको मिल जाता है चैट विद योर मैचेस, व्यू 200 कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप योर मैचेस, गेट टॉप स्पॉट इन मैचेस का ऑप्शन, अपने प्रोफाइल को हाईलाइट करने का ऑप्शन। इसका 3 months का प्राइस है 5,499 rupees, पर आपको 64% डिस्काउंट में मिल जाता है सिर्फ 1,980 rupees में। और इसका जो 6 month का पैकेज है यहाँ पर भी आपको मिल जाता है बेनिफिट, चैट विद योर मैचेस, व्यू 400 कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप योर मैचेस, गेट टॉप स्पॉट इन मैचेस। इसका 6 month का प्राइस है 11,989 rupees, पर आपको 78% डिस्काउंट में मिल जाता है सिर्फ 2,698 rupees में। और इसका जो 12 months का पैकेज है प्लस मेंबरशिप का, जहाँ पे आपको मिल जाता है चैट विद योर मैचेस, व्यू 800 कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप योर मैचेस, गेट टॉप स्पॉट इन मैचेस, इसका प्राइस है 12 months का 19,425 rupees, जो 77% डिस्काउंट में आपको मिल जाता है सिर्फ 4,468 rupees में। और प्रीमियम मेंबरशिप का जो लास्ट प्लान है पर्सनलाइज प्लान, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है 3 months और 6 month का दो पैकेज। 3 months पैकेज का प्राइस है 32,500 rupees, 48%
डिस्काउंट में आपको मिल जाता है 16,900 रुपीज में, जहाँ पे आपको मिल जाता है मैच मेकिंग एक्सपर्ट, टॉप रेटेड हैंड पिक्ड मैचेस, क्विकर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स और पर्सनल इंट्रोडक्शन। और इसका जो 6 मंथ पैकेज है जहाँ पे आपको ये सेम फैसिलिटीज मिलता है, इसका प्राइस है 57,000 रुपीज, जो 50% ऑफ देके आपको मिल जाता है 28,500 रुपीज में। तो यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप जो पैकेज आप चूज करना चाहते हो उस पैकेज को सिलेक्ट करके नीचे आप गेट पैकेज का ड्यूरेशन और प्राइस इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आप रीडायरेक्ट होके चले जाओगे पेमेंट ऑप्शन पे। तो पेमेंट में यहाँ पे आप देख पाओगे आप कोई भी UPI एप्लीकेशन से पे कर सकते हो या अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, या आपको मिल जाता है यहाँ पे नेट बैंकिंग से भी पेमेंट करने का ऑप्शन। और पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने से आपको अपना प्रीमियम मेंबरशिप का अकाउंट अपग्रेड होके मिल जाएगा। अभी और भी नीचे स्क्रॉल करके आ जाओगे तो होम ऑप्शन पे आपको मिल जाता है इंटरेस्ट सेंड, योर मैचेस, व्यूड मैचेस, ये सारे ऑप्शंस। और लास्ट पे आपको मिल जाता है क्विक लिंक्स के अंडर कस्टमर सपोर्ट और सेटिंग्स का ऑप्शन। कस्टमर सपोर्ट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक वाइज, जैसे यू कैन चूज फ्रॉम द पॉपुलर टॉपिक्स जैसे प्रोफाइल एंड फोटोज, कॉन्टेक्टिंग मेंबर्स, रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन, मेंबरशिप बाय पेमेंट, सर्च एंड मैचेस, प्राइवेसी एंड सेफ्टी, इसके बारे में बहुत सारे FAQs आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल के बारे में डिटेल्स FAQ आप पढ़ सकते हो। नीचे आपको मिल जाता है एप्लीकेशन का होम ऑप्शन और कुकीज पॉलिसी। और सेटिंग्स ऑप्शन के अंडर आपको मिल जाता है कॉन्टेक्ट फिल्टर्स, प्राइवेसी सेटिंग, अलर्ट सेटिंग, डिलीट प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन। कॉन्टेक्ट फिल्टर ऑप्शन पे जाके यहाँ पर भी आप अपना प्रेफरेंस सेट कर पाओगे कभी भी, जैसे जो भी प्रेफरेंस का प्रोफाइल आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे आप एज लिमिट, रिलीजियन, कम्युनिटी, मदर टंग, कंट्री लिव इन, मैरिटल स्टेटस, ये एडिट कर पाओगे। फिर प्राइवेसी सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके आप अपना फोटो या फोन नंबर का प्राइवेसी सेटिंग कर पाओगे दाहिने तरफ एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके, तो आप अपना फोटो प्राइवेसी सेट कर पाओगे विजिबल टू ऑल मेंबर्स या विजिबल टू मेंबर्स आई लाइक एंड टू ऑल प्रीमियम मेंबर्स या ओनली विजिबल टू मेंबर्स आई लाइक। और सेम तरीके से फोन नंबर का प्राइवेसी सेटिंग भी आप कर पाओगे विजिबल टू ऑल प्रीमियम मेंबर्स या विजिबल टू मेंबर्स यू विश टू कनेक्ट टू या हाइड माय फोन नंबर का ऑप्शन। सेम तरीके से अलर्ट सेटिंग ऑप्शन पे जाके आप सारे मैचेस, एक्टिविटी और ऑफर एंड डिस्काउंट, इसका डेली, नियर बाय, न्यूली जॉइंट एक्सेट्रा या विजिटर कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या डेली फेस्टिवल, ऐसे नोटिफिकेशन अलर्ट भी एडिट कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे मैच अलर्ट आप डेली कर सकते हो या अनसब्सक्राइबर करके रख सकते हो, सेम तरीके से आप एक्टिविटी अलर्ट भी डेली या अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और ऑफर और डिस्काउंट के बारे में भी अलर्ट आप डेली या अनसब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपना संगम.com का प्रोफाइल कभी भी डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट प्रोफाइल ऑप्शन पे जाके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोफाइल डिलीट करने से आपके प्रोफाइल का सारा इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री और अगर कोई पेड मेंबरशिप है तो सारा डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। और फिर लास्ट पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन से साइन आउट के लिए लॉग आउट का ऑप्शन। अभी होम ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मैचेस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे जो भी आप प्रेफरेंस डाले हो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा अपना सारा मैच का प्रेफरेंस। यहाँ पर भी ऊपर आपको मिल जाएगा कुछ कैटेगरी जैसे सर्च, मैचेस फॉर यू, मोर, प्रोमोटेड, नियर मी, ऑनलाइन, न्यूली जॉइंट, व्यूड मी, व्यूड बाय मी। तो सर्च ऑप्शन पे जाके किसी का प्रोफाइल आईडी यहाँ पे डाल के आप उनका प्रोफाइल सर्च कर पाओगे या नीचे जो भी प्रेफरेंस वाइज आप मैचेस ढूंढ रहे हो उस हिसाब से आप बेसिक डिटेल्स, लोकेशन, एडुकेशनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स डाल के अप्लाई बटन पे क्लिक करके भी अपना प्रेफरेंस वाइज मैचेस ढूंढ पाओगे। सर्चेस ऑप्शन के बाद मैचेस फॉर यू ऑप्शन पे आपके प्रेफरेंस वाइज यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड मैचेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सारे प्रोफाइल्स आप चेक कर पाओगे और कोई भी प्रोफाइल पे आप देखोगे प्रोफाइल पिक्चर, उनको शेयर करने का ऑप्शन दाहिने तरफ ऊपर, इस प्रोफाइल पे कितना पिक्चर है वो उसका काउंट, नीचे इस प्रोफाइल का नाम, एज, हाइट, कितना दिन पहले ऑनलाइन था, कौन से लोकेशन से है, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा इस प्रोफाइल के साथ चैट करने का ऑप्शन, कॉल या व्हाट्सएप का ऑप्शन और कनेक्ट वाइज अपना रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन मैच के लिए। और भी नीचे आप स्क्रॉल करके आ जाओगे तो यहाँ पे देख पाओगे इस प्रोफाइल का सारा डिटेल्स जैसे मोर फोटोज, फैमिली डिटेल्स, फादर मदर डिटेल्स, सिस्टर या ब्रदर डिटेल्स, हॉरोस्कोप डिटेल्स और फिर आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्ट डिटेल्स। पर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हाइड रहेगा, आप अगर प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो तभी इस कॉन्टेक्ट डिटेल्स को आप अनलॉक कर पाओगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा इस प्रोफाइल का सारा डिटेल्स अबाउट हिम और हर में, तो प्रोफाइल का सारा डिटेल्स यहाँ पे स्क्रॉल करके आप चेक कर पाओगे और कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके उनको रिक्वेस्ट भेज पाओगे। और अगर आपका प्रोफाइल प्रीमियम मेंबरशिप में एक्टिवेट है तो आप उनके साथ डायरेक्ट चैट या कॉल या व्हाट्सएप कर पाओगे। फिर इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करके इस प्रोफाइल में और भी अगर पिक्चर अपलोडेड है तो स्क्रॉल करके सारे पिक्चर को आप यहां से देख पाओगे। और अगर इस प्रोफाइल को आप रिक्वेस्ट भेजना नहीं चाहते हो तो दाहिने तरफ एरो बटन पे क्लिक करके आप चले आओगे नेक्स्ट प्रोफाइल पे और ये करंट
प्रोफाइल डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोफाइल में भी आप देख पाओगे, जैसे मैंने सारा डिटेल्स आपको बताया वो सारे डिटेल्स यहाँ पर भी आप चेक कर पाओगे। सिमिलर तरीके से मैचेस फॉर यू ऑप्शन के बाद मोर ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा और भी सारे प्रोफाइल्स डिटेल्स आपके प्रेफरेंस के बाहर। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन प्रोमोटेड ऑप्शन पे जाके प्रीमियम मेंबरशिप लेने से जो भी प्रोफाइल यहाँ पे प्रीमियम है उस प्रोफाइल का डिटेल्स स्क्रॉल करके आप देख पाओगे। आप खुद भी प्रीमियम मेंबरशिप लेके इस कैटेगरी में अपना प्रोफाइल को चेक कर पाओगे, प्रमोट कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है नियर मी, तो आपके लोकेशन के नियर बाय जो भी प्रोफाइल है उस लोकेशन वाइज आपको सारे प्रोफाइल का लिस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन पे जाके जो प्रोफाइल अभी ऑनलाइन है उस प्रोफाइल का सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा। फिर न्यूली ज्वाइंट ऑप्शन पे मिल जाएगा जो भी प्रोफाइल इस एप्लीकेशन को या वेबसाइट को अभी अभी ज्वाइन किया है, अपना प्रोफाइल या अकाउंट ओपन किया है, उन सारे न्यूली ज्वाइंट प्रोफाइल का लिस्ट। और फिर व्यूड मी ऑप्शन पे जाके आप देख पाओगे जो भी प्रोफाइल आपके प्रोफाइल को ऑलरेडी विजिट कर चुका है उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट। और लास्ट में व्यूड बाय मी प्रोफाइल ऑप्शन पे देख पाओगे जो भी प्रोफाइल को आपने विजिट किया है उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट। अभी मैचेस ऑप्शन के बाद इनबॉक्स ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपको ऊपर मिल जाएगा बहुत सारे कैटेगरी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, जहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी प्रोफाइल आपके प्रोफाइल को देख के इंटरेस्ट रिक्वेस्ट भेजा है उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट। तो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा प्रोफाइल का सारा डिटेल्स और इस प्रोफाइल को डिक्लाइन या एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। तो एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस प्रोफाइल को ऐड कर लोगे अपने अकाउंट में और मैच हो जाने के बाद इस प्रोफाइल को आप मैसेज कर सकते हो सेंड मैसेज ऑप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कम्युनिकेट के लिए इस प्रोफाइल को डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे और वो प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट जो भी प्रोफाइल आपके प्रोफाइल को रिक्वेस्ट भेजा है उन सारे प्रोफाइल का डिटेल्स आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑप्शन पे। फिर दूसरे कैटेगरी एक्सेप्टेड ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा जिस प्रोफाइल को आप एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट उस प्रोफाइल का सारा डिटेल्स, इनके साथ आप चैट या कॉल या व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट सेंड, जिस प्रोफाइल को आपने रिक्वेस्ट भेजा है उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट। और फिर कॉन्टेक्स्ट व्यू ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा जो भी प्रोफाइल आपके प्रोफाइल को विजिट किया है उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट। और फिर डिक्लाइन या कैंसिल्ड ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा जो भी प्रोफाइल को आपने कैंसिल या डिक्लाइन कर दिया है उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट। और लास्ट में फिल्टर आउट ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा जो भी प्रेफरेंस डाल के आपने अपना प्रेफरेंस सेट किया है मैचेस देखने के लिए उन सारे मैच प्रोफाइल का सारा लिस्ट। अभी इनबॉक्स ऑप्शन के बाद चैट ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी मेंबर को आपने एक्सेप्ट किया प्रोफाइल में उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट और जो भी मेंबर आपके प्रोफाइल को रिक्वेस्ट भेजा है अभी भी पेंडिंग है या आपने डिक्लाइन किया है, नीचे आपको मिल जाएगा उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट भी। तो यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करके आप कम्युनिकेट कर पाओगे, फर्स्ट कम्युनिकेशन फ्री होगा, उसके बाद आपको अपना अकाउंट अपग्रेड करना है कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप में तभी उस प्रोफाइल के साथ आप चैटिंग या कॉल या व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। दाहिने तरफ ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट बटन पे क्लिक करके इस प्रोफाइल को आप व्यू कर सकते हो या कोई भी कंप्लेंट हो इस प्रोफाइल के अगेंस्ट तो आप कंप्लेंट भी रेज कर सकते हो। और जो भी प्रोफाइल को आपने एक्सेप्ट नहीं किया पर आपके प्रोफाइल को उन्होंने मैच रिक्वेस्ट भेजा है नीचे आपको मिल जाएगा उन सारे प्रोफाइल का लिस्ट। इस प्रोफाइल ऑप्शन पे जाके आप एक्सेप्ट के बाद ही इनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाओगे, पर कम्युनिकेशन कंटिन्यू करने के लिए चैट कॉल या व्हाट्सएप पे आपको जरूरत होगी संगम.com एप्लीकेशन या वेबसाइट की प्रीमियम मेंबरशिप की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा संगम.com एप्लीकेशन से कैसे आप यहाँ पे अपना प्रेफरेंस मैच ढूंढ पाओगे, अपना प्रोफाइल अकाउंट बना पाओगे, अपने प्रेफरेंस मैच यहाँ से सेट कर पाओगे, यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट मिल जाता है। इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, और इसके वेबसाइट को अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो उसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे आप देखोगे संगम.com का मेन एप्लीकेशन या वेबसाइट से जैसे आप अपना फिल्टर डाल के प्रोफाइल बना पाते हो या अपना मैचिंग प्रेफरेंस ढूंढते हो, वैसे इसका अलग अलग कम्युनिटी या रिलीजियन बेस भी आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन मिल जाएगा। उन सारों एप्लीकेशन या वेबसाइट का डिटेल्स भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी जरूर फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि संगम.com एप्लीकेशन या वेबसाइट का ये फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।